मालती कहीं नहीं भागी है और विष्णु जल्दी एक साथ हो जाएंगे, ये सबको पता है। मालती ने शादी नहीं की अर्जुन से, विष्णु कहीं शादी नहीं करवाया है, ये सबको पता है। सारी पब्लिक जान रही है मिस्टर विष्णुराज और मालती चौहान बहुत जल्द एक हो जाएंगे, पूरी तरीके से पता है सबको। इतने भी पब्लिक देख रही है, सब लोग कह रहे हैं मालती कहीं नहीं भागी है, सब के सब कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझ कर कर रहे हैं, चार महीने बाद साथ होंगे। विष्णु, राहुल और गोरखपुरिया भौजी और उसका हस्बैंड और जितने भी लोग हैं सब के सब नौटंकी बाज, जितने सच में सही कह रहे हैं आप सभी लोग, विष्णुराज और मालती चौहान सब के सब ड्रामेबाज हैं। कभी कभी तो मुझे ये समझ में आता है कि गोरखपुरिया भौजी, मिस्टर विष्णुराज, मालती चौहान सब के सब मिले हुए हैं। मालती बहुत जल्द होगी विष्णु के साथ और बेटा भी उसके साथ रहेगा, अर्जुन जाए भाड़ में। पब्लिक को बनाया जा रहा है चूतिया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब भी उसका खेल है। आज विष्णु फिर से कह रहा है कि मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो, ना जाने किस मुंह से कह रहा है। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं ना इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मुझे मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं सारी जनता को बोल रहा हूँ, जितने भी जनता लोग हैं, ऊपर एक स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो आ रहा है जिस पर रिपोर्ट का ऑप्शन है। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि मिस्टर विष्णुराज जो चैनल है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला डाली है, इतनी भद्दगी फैला डाली है, इससे हमारे समाज पर बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है, बहुत ही बेकार असर पड़ रहा है। घर की औरतें, महिलाएं, जो बहन बेटियां हैं, बिल्कुल बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। सबसे पहले इसके चैनल पर आप सभी लोग मिलकर, अगर जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर 50,000 लोग देख रहे हैं जिसमें से अगर 10,000 लोगों ने रिपोर्ट किया, इसको चैनल को बहुत प्रॉब्लम होगी। मालती तो शादी करके अर्जुन के साथ अपने घर चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब विष्णु फिर से बोल रहा, अपने खुद हाथ से तुमने दिया उस अपने बच्चे को, क्यों दिया भाई तुमने? अगर तुम्हें अपने बच्चा चाहिए ही था तो तुम अपने बच्चे को युवराज को क्यों दिया तुमने? उसका भविष्य क्यों खराब किया? मालती और अर्जुन और विष्णु और राहुल और जितने भी यूट्यूबर हैं, साथ साथ गोरखपुरिया भौजी, जितनी भी लोग यूट्यूबर हैं, ये सब के सब नौटंकीबाज हैं, एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। इनका काम यह है कि ऐसे ही कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके पब्लिक को गुमराह करिए। गुमराह करने के बाद सबसे बड़ी बात यह हो गई है आजकल, जो जनता है, जो गरीब घर के लोग जो बेचारे मोबाइल चला रहे हैं, आजकल देखते होंगे जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं बेचारे, वो सब ऐसे उनके चक्कर में ब्लॉगिंग बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग बनाते हैं और इनके तरीके से अपने रहन सहन को अपनाते हैं और बहुत गलत गलत स्वभाव अपना तरीका बदल दे रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। पूरे माहौल को तो अकेले गोरखपुरिया भौजी और विष्णुराज और मालती और अर्जुन, इन सब लोगों ने पूरे माहौल को गंदा किया है। आप सभी से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से मालती और विष्णु को और अर्जुन को, गोरखपुरिया भौजी को, इतना मतलब सब लोग देख रहे हैं, जरा एक बार जो विष्णुराज के साथ जो उसका नाम आ रहा है राधिका, कोई राधिका करके एक लड़की है, उसको भी आप लोग सामने लाइए, जरा पता तो करिए आखिर इतना सारा गुल खिलाने के बाद आखिर वो गायब कहाँ है, क्यों है वो गायब? पूरी तरीके से YouTube पर बिल्कुल बिल्कुल एकदम जान लीजिए गंद मचा कर रख दिए हैं। अपनी बीवी की शादी करवा दे रहा है उससे, अपने बच्चे को उठा कर दे रहा है। अब उसके बाद अरे शर्म किए होते कम से कम यार, विष्णु तुम शर्म किए होते। सबसे पहला काम किया, अगर तुम अभी जब जैसे बोल रहे थे ना गोरखपुरिया भौजी से, तुम सब मिले हुए हो, गोरखपुरिया भौजी और या जितने लोग हैं सब के सब मिले हुए हो। सबसे बड़ी बात तो तुम लोग को इतना बेवकूफ़ी कर रहे हो कि अगर वो बोल रही थी शादी करने के लिए, सबसे पहले तुम पुलिस को बुला दिए होते। अभी चार डंडे पड़ते ना अर्जुनवा को, और चाहे मलतिया को या कोई भी होता, फलाना ढिमकाना, जितने भी लोग होते, चार डंडे पड़ते अभी सब के सब। अभी शादी का जितना नशा था, सब प्यार का नशा, सभी भूत उतर जाता अभी दो मिनट में। लेकिन नहीं बेटा, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम भी चाहते ही थे, तुम्हारे चेहरे को देख करके साफ साफ पता चल रहा कि तुम विष्णु बेटा, तुम मालती के साथ नहीं रहना चाहते थे, तुम खुद जानबूझ करके मालती को किसी भी हाल से अपने रास्ते से हटाना चाहते। वो निकल गई, वो निकलना चाहती थी, जिंदगी भर बोलते थे। और एक बात और है, कौन नहीं जानता यार कितनी बुरी तरीके से उसको लतियाते थे, लातों लातों से मारते थे तुम उसको, रोज डेली उसको मारते थे। मुझे अच्छे से याद है, तुम क्या बताऊं, जिस दिन हमारे गाने धनिया की शूटिंग थी, तुमको याद होगा धनिया का शूटिंग के सेटअप पे, धनिया गाने की शूटिंग के सेटअप पे तुमने बहुत बुरी तरीके से, एक दिन के शूटिंग के पहले ही तुमने बुरी तरह से मालती को बहुत मारा था, उसका आँख पूरा बिल्कुल तुमने एकदम बिल्कुल ऐसे लाल उल कर दिया था, बहुत मारा था उसको। और तुम लोग का स्वभाव कैसा है सबको पता, बताने की जरूरत नहीं, नौटंकी मत करो तुम अभी,
और बेटा जिस जिस के साथ तुम लोगों ने गलत किया ना, वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, भारी पड़ रहा है तुम्हारे साथ। आज देख लो तुम्हारे हर एकदम बिल्कुल बुरे कर्मों का नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है। और गोरखपुरिया भौजी, ज़्यादा ना किसी को इतना सपोर्ट के चक्कर में, कौन सा तुम व्यूज के चक्कर में लगी हो? अभी 10 दिन पहले तुम्हारा 20,000, 10,000, 15,000 व्यूज आ रहा था, अभी लौटने लग रही हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो अभी ना। गोरखपुरिया भौजी एक बात बता दें आपको, सब पता चल रहा है कितना गेम चल रहा है सब लोग का, व्यूज के चक्कर में यहाँ कौन सा सपोर्ट करने आई हो? अरे सपोर्ट करना होता डायरेक्ट थाने में जाओ, वहाँ पे तुम अपना मामला क्लियर कराओ, अपने घर जाओ, अपना तुम अपना काम करो। इन लोग का क्यों पीछे पड़ी हो तुम? सबको पता चल रहा व्यूज के चक्कर में घूम रही हो। इतना अगर शरीफ सब लोग बन रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी एक बात बताइए, पहले आप मालती को ले जा करके वहाँ पे गोरखपुर में किसी बढ़िया कलेक्टर साहब के वहाँ, सिपाही के वहाँ ले जा करके उसको करवा रही हो, फिर बाद में पता चला कि मालती गलत है, तो अब अर्जुन के बीबी का सपोर्ट करने चली गई, ठीक है, फिर विष्णु का भी सपोर्ट करने चली गई। कौन सा मतलब यार तुम लोग, यार मतलब आपके पास एकदम दिमाग ही नहीं है आप लोग के पास। लगातार वीडियो पे वीडियो डल रहे हैं, व्यूज आ रहा है, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में हमारा एकदम बिल्कुल एकदम मतलब एकदम आप लोग का बवाल मचा रहे हर जगह, एकदम बिल्कुल आप लोग का रोला चलता रहे। धंधा अच्छा है सभी लोगों का, ऐसे ब्लॉगिंग करके इनको उनको एकदम बिल्कुल उनका कंट्रोवर्सी करना, इनको कंट्रोवर्सी करना। आप सभी को पता है मैं किसी भी वीडियो में किसी को एक शब्द अपशब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सब जो ये कंट्रोवर्सी देख देख करके हमारा एकदम बिल्कुल मूड डिस्टर्ब हो चुका है। मैंने किसी को भी अभी तक एक शब्द नहीं कुछ कहा है अभी तक, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ ये सब के सब नोटिंगबाज है, एकदम एक नंबर के ड्रामेबाज है। 2000 कमेंट आएंगे, 2000 कमेंट में सब लोग यही कह रहे हैं तुम सब नौटंकीबाज कर रहे हो, एकदम ड्रामेबाज हो, एक नंबर के बिल्कुल एक नंबर के चालबाज हो, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए वीडियोस बना रहे हो, अपना काम निकालने के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सच सामने आएगा बेटा, लोग परेशान मत हो। और तो और आप सभी को बता दूँ, आप लोग इन सबके वीडियो पर सबके चैनल पर मैं आपको रिपोर्ट का तरीका बताता हूँ, सबके जो भी फालतू का काम करते हैं सबके वीडियोज़ पर आप लोग रिपोर्ट करिए, उनके चैनल को पूरी तरीके से बैन कराने की कोशिश करिए। अगर आप लोग चाहते हैं आपका परिवार, आपके घर के बीवी बच्चे, आपके छोटी माताएं बहनें और घर के बुजुर्ग लोग, आप सबके लोग एक साथ बैठकर ब्लॉगिंग का वीडियो देख सकें, एक साथ बैठकर गाने का वीडियो देख सकें या कुछ भी एक साथ देख सकें, तो ऐसे लोगों को आप लोग रिपोर्ट करिए, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल गंद मचा कर रख दिया है, गंद मचा कर रख दिया YouTube पर, पूरी तरीके से गंद मचा कर रख दिया। और एक बात याद रखना, मैं सभी यूट्यूबरों को बता दे रहा हूँ, फ्री में गोलू विश्वकर्मा ने किसी से काम नहीं कराया, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी से फ्री में काम नहीं करवाया है, सबको पैसे देकर काम करवाया। अगर किसी को दो बात बोल रहा हूँ तो अपना हक और दम रखता हूँ बोलने का, किसी को फ्री में काम नहीं करवाया मैंने, जिसने जो भी मांगा है मैंने पैसा दिया है। लेकिन कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि फलाने हमारे यूट्यूबर हमारे पीछे आकर घूमते थे, फलाने इतना, ऐसे मत बोलिएगा कोई लोग, फलाने ये बोले फलाने वो बोले, इतना जानिए जिन जिन लोगों के साथ काम किया है सबको पैसे दिए गए हैं बराबर। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, जितने भी लोग यूट्यूबर हैं ना, विष्णु को, मालती को, अर्जुन को, राहुल को, गोरखपुरिया भौजी को, सबको बाइकआउट करो, सबको रिपोर्ट मारो आप लोग। कभी कभी